हाउ वाज हैदराबाद इंक्लूडेड इन इंडिया, हैदराबाद को इंडिया में कैसे इंक्लूड किया गया, ठीक है, क्योंकि तभी इंक्लूड नहीं हुआ था ना, तब आज़ाद हुआ था देश के, बाद में इंक्लूड हुआ था। हैदराबाद का जो शासक था वो था मुस्लिम निज़ाम उस्मान अली खान। अब ये मुस्लिम था, ठीक है, हैदराबाद में, बट जो हैदराबाद की पॉपुलेशन थी, ज़्यादातर पॉपुलेशन थी हिंदू, और निज़ाम उस्मान अली खान चाहते थे कि वो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रखें, मतलब वो किसी में ना मिले, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, बट उनकी ये इच्छा थी कि वो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को, बट ऐसा कैसे हो सकता था, हैदराबाद तो इंडिया के सेंटर में है, अब ऐसे कैसे इंडिया पाकिस्तान को दे देगा हैदराबाद, और जबकि वहाँ की पॉपुलेशन मैक्सिमम हिंदू है, तब तो हिंदू रिजाइडेड देर इज मेजॉरिटी फॉर्म में हिंदू थे। तो हुआ ये था कि मिलिट्री का एक्शन लेके, जबकि होम मिनिस्टर जो थे उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था हैदराबाद को, ठीक है, होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी स्टैचू लगी हुई है अभी बनी है, नहीं सबसे बड़ी सी। तो हैदराबाद को ना फोर्सफुली हमने इंक्लूड किया गया था इंडिया में, क्योंकि उसका जो रूलर था वो मुस्लिम था और वो पाकिस्तान की ओर ज़्यादा झुकाव था उसका, बट हैदराबाद तो मिड में है, इंडिया के सेंटर में है, सेंटर मतलब पाकिस्तान से तो काफ़ी दूर है, और उसकी पॉपुलेशन हिंदू है, तो कैसे हो सकता था फिर ये। तो इस तरह से हुआ उसका इंक्लूड हैदराबाद इंडिया में, मतलब मिलिट्री एक्शन से हुआ है, ये याद रखना है।